हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्सीनेट टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये डॉक्सीनेट टैबलेट जो कि मनीष फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 229 रुपए है, जो कि एक स्टीमें 30 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं डॉक्सिलमाइन सक्सिनेट एंड पाइरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, और इधर को देखते हैं डॉक्सिलमाइन 10 mg, पाइरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg अवेलेबल है। दोस्तों डॉक्सिनेट टैबलेट जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, इस टैबलेट को प्रेग्नेंट लेडी में वोमिटिंग की समस्या में दी जाती है। नंबर 2, उल्टी आना। नंबर 3, मॉर्निंग सिकनेस हो। नंबर 4, मतली आना। नंबर 5, न्यूट्रिशन की कमी हो। नंबर 6, इसमें विटामिन B6 भी डाला गया है, विटामिन B6 की कमी को भी दूर करता है। नंबर 7, एलर्जी की समस्या हो। तो दोस्तों इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें। इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज फिक्स करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेग्नेंट लेडी को एक एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार यूज करवाते हैं। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात को सोते वक्त, खाने के बाद भी ले सकते हैं इस टैबलेट को और खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, कैसे यूज करना है, एक टैबलेट सुबह ले सकते हैं और एक टैबलेट रात को सोते वक्त ले सकते हैं। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो बातें ध्यान रखिए। नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग मदर यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 2, ड्राइव करते वक्त भी यूज ना करें। नंबर 3, इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हो तो यूज ना करें। नंबर 4, लीवर किडनी डिजीज यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 5, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट को कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि चक्कर आना, हेडेक, डायरिया, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस टैबलेट को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो डॉक्सीनेट टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या होती रहती है, वोमिटिंग की, उल्टी आना, तो उसमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, डॉक्सीनेट टैबलेट, डॉक्सीनेट प्लस टैबलेट, डॉक्सीनेट ओडी टैबलेट, डॉक्सीनेट 4 टैबलेट और डॉक्सीनेट जी टैबलेट भी अवेलेबल है, तो ये भी परचेज कर सकते हैं। और डॉक्सीनेट टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट है, इसी इंग्रेडिएंट में और भी कई कंपनी के टैबलेट अवेलेबल है, जैसे कि प्रेग्नी डॉक्सिन टैबलेट, DB6 टैबलेट, डॉक्सामेट टैबलेट, तो इत्यादि टैबलेट भी परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।